हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लूप टेट बॉस बेस में गाइड कर्व्स कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने यह स्केच ड्रॉ किया था। हम इसी स्केच को लूप टेट बॉस बेस गाइड कर्व्स के लिए यूज करेंगे। इसमें हमें एक कर्व्स ड्रॉ करना होगा। तो हम इन सारे प्लेन को हाइड करेंगे। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें सारे प्लेन और हाइड। फ्रंट प्लेन स्केच नॉर्मल व्यू। कंट्रोल के साथ सारे स्केच को सेलेक्ट कीजिए। कन्वर्ट एंटिटीज। सारे स्केच को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। और कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पर कर्व्स ड्रॉ करेंगे। स्प्लाइन कमांड की मदद से स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। अब हम लूप टेट बॉस बेस गाइड कर्व्स यूज करेंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें और लूप टेट बॉस बेस पे क्लिक करें। पिछली लेक्चर में हमने सीखा था प्रोफाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। और गाइड कर्व्स में यह स्केच सेलेक्ट करेंगे। ओके कीजिए। तो यह देखिए, हमने जो गाइड कर्व्स सेलेक्ट किया था उस रूप में शेप आ गया। हम दो गाइड कर्व्स यूज करेंगे। तो इसे डिलीट कीजिए। स्केच एडिट स्केच नॉर्मल व्यू। इसे हम मिरर करेंगे। सेलेक्ट कीजिए स्केच और मिरर अबाउट में ये सेंटर लाइन। ओके, एग्जिट स्केच कीजिए। लूप टेट बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए। प्रोफाइल और गाइड कर्व्स के लिए यह स्केच। ओके कीजिए। और दूसरा यह स्केच। ओके कीजिए। तो यह देखिए गाइड कर्व्स के शेप में आ गया। पर यह सॉलिड बॉडी है। अगर आप इसे थिन करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे थीन फीचर दिया गया है। इस बॉक्स में क्लिक करें। तो देखिए थीन फीचर में तीन टूल दिया गया है। वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
टूल सेलेक्ट कीजिए। हम इसे सॉलिड ही रखेंगे, तो थीन फीचर वाले बॉक्स को अनटिक करें और ओके कीजिए। हमारा मॉडल बनके तैयार हो गया, लुफ्टेड बॉस बेस गाइड कर्व्स की मदद से। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।